नमस्कार, मैं हूं राजेश राठौर। आप देख रहे हैं घमासान.com की खास पेशकश दे धनाधन। आज हम इस कार्यक्रम में बताते हैं कि हिंदुस्तान को आजाद हुए बहुत तर साल हो गए, लेकिन आखिर क्या चीजें रह गई और कौन से काम हुए। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमने बहुत सारी पड़ताल की, कई लोगों से बात की, तो पता चला कि हिंदुस्तान के बारे में दो चीजों पर सबसे ज्यादा काम नहीं हुआ है। ये दो जो विषय हैं, पहला है शिक्षा का और दूसरा है स्वास्थ्य का। शिक्षा की यदि हम बात करें तो आज भी सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर गिर चुका है, या यूं कहें कि बिल्कुल समाप्त हो गया है। यूनिवर्सिटियों की हालत यह है कि वर्ल्ड में भी हमारा कोई स्थान नहीं बन पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद से लेकर अब तक सारे नेता और अफसरों के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटियों में और विदेश में पढ़ते रहे हैं। उनका ध्यान कभी हिंदुस्तान के सरकारी कॉलेज और स्कूल की तरफ नहीं गया। यही कारण है कि आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जिन गरीबों के बच्चे उन स्कूलों में जाते थे, उन स्कूलों में भी बच्चों ने जाना बंद कर दिया। कई राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने जबरिया तरीके से बच्चों को स्कूल भेजने के लालच भी दिए गए, दबाव प्रभाव भी दिए गए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, क्योंकि बच्चे कुछ देर के लिए स्कूल जाते हैं लेकिन टीचर वहां पर नहीं पढ़ाते। आखिर क्या कारण है कि जो शिक्षक पुराने हो चुके हैं उनको अपडेट करने पर सरकार ने क्यों नहीं दिया ध्यान दिया? इसके अलावा स्कूलों में जो आधुनिक सुविधाएं मिलना थी, समय के साथ बदलाव होना चाहिए था, वो आखिर क्यों नहीं हो पाया? इन सब कारणों पर केंद्र और राज्य सरकारें बात तो खूब करती है, नारे खूब दिए जाते हैं, विज्ञापन खूब छपते हैं, लेकिन वास्तव में काम नहीं हो पाता। जिन आदिवासियों की, जिन अल्पसंख्यकों की, जिन पिछड़ा वर्ग की और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बच्चों की बात की जाती है, उनके लिए सिर्फ भाषण और विज्ञापन के अलावा मौके पर जब देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों? कब तक आदिवासी इलाकों की बात की जाएगी, कब तक पिछड़े इलाकों की बात की जाएगी और कब तक शिक्षक और छात्रों को लेकर इस तरह की दकैनुसी टाइप बातें की जाएगी? क्योंकि सवाल इस बात का होता है कि जब सरकार चाहे तो शिक्षक स्कूल क्यों नहीं पहुंचता? यदि बेहतर सुविधा में वहां पर मिल जाए तो फिर बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते? आखिर वो कौन से कारण है? उन सब कारणों पर केंद्र और राज्य सरकार को सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देश को असली आजादी तभी मिल पाएगी जब हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता पूरी तरह से शिक्षित हो पाएगी। ये बात सही है कि साक्षरता मिशन के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कई कार्यक्रम समय समय पर चलाते रहे हैं, लेकिन वही बात कि मौके पर कुछ नहीं दिखता, ऐसा आखिर क्यों? इसके अलावा एक और खास मुद्दा है, वो है स्वास्थ्य का। क्या कारण है कि आज भी अखबारों में और टीवी चैनल में हम देखते हैं कि सड़क पर डिलीवरी हो जाती है? गांव में यह हालत है कि अस्पताल जाने के पहले ही बच्चे को मां जन्म दे देती है। सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर डॉक्टर और स्टाफ नहीं मिलने के कारण कई बार डिलीवरी होने के पहले ही मां की मौत हो जाती है। ऐसे हादसे आखिर कब तक होंगे? कई गांव ऐसे हैं जहां से ऐसे मौके पर आने के लिए रास्ते भी नहीं है, नदी किनारे पार करके आने के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। हिंदुस्तान में केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग अलग स्तर पर बहुत सारी सुविधाएं शुरू की। गांव से इस तरह की मौके पर जब भी डिलीवरी के लिए प्रसूताओं की जब बात होती थी तो ये कहा जाता था कि उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिलती या एम्बुलेंस खराब हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? सरकारी अस्पतालों में क्या कारण है कि राजनेता और अफसरों के इलाज नहीं होते? क्या कारण है कि अफसर और राजनेता देश के नामी अस्पताल में या फिर विदेशों में इलाज कराते हैं? इस समय भी जितने राजनेता बीमार हैं उनके इलाज विदेशों में हो रहे हैं। यदि इन नेताओं और अफसरों के इलाज सरकारी अस्पताल में होने लग जाए तो हो सकता है कि ये सिस्टम सुधर जाए। इन दोनों मुद्दों पर हम आपको आने वाले समय में और विस्तार से बताएंगे, लेकिन
आजादी के 72 साल बाद ये दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने आपसे साझा किए। आप भी अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।